For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. ऐसा लग रहा है कि सलमान खान को कोरियन फिल्म से प्यार हो गया है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म भारत की रिलीज के पहले ही उन्होंने एक और कोरियन रीमेक के लिए हामी भर दी है। जी हाँ, भारत कोरियन फिल्म एन ओड टू माय फादर का ऑफिशियल अडैप्टेशन है, जो इस साल जून में रिलीज होगी। पर अब इससे पहले ही सलमान ने एक और रीमेक को कंफर्म किया है। जी हाँ, फिल्म भारत के प्रोड्यूसर और सलमान खान के ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री ने ऑलरेडी कोरियन फिल्म वेटरन के राइट्स भी अक्वायर कर लिए हैं। ये फिल्म एक सुपर कॉप डिटेक्टिव स्टोरी है, जो कोरिया में काफी सक्सेसफुल रही। अब इतने दमदार रोल में सलमान से बेहतर कौन फिट आ सकता है? सच में कोई नहीं। तो सलमान ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वो ये फिल्म जरूर करेंगे, मगर उससे पहले फिल्म भारत रिलीज होगी और दबंग 3 की शूटिंग शुरू होगी, जिसके बाद वो सीधे संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह पर काम शुरू कर देंगे और उसके बाद आएगी बारी वेटरन की। हालांकि इस फिल्म के लिए वेट अभी बहुत लंबा है, लेकिन सलमान की कॉन्फर्मेशन के बाद हमें यकीन है कि ये फिल्म भी उनकी बाकी फिल्म्स की तरह सुपर डुपर हिट होगी, है ना?